डियर फ्रेंड्स, दिस इज निशांत रस्तोगी एंड यू आर वॉचिंग CNRI। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस चैनल के बारे में बताना चाह रहा हूँ। इस चैनल की शुरुआत एक्चुअल में केमिस्ट्री डाउट सॉल्विंग से शुरू हुई थी। स्टूडेंट को बहुत सारे डाउट आ रहे थे और बुक्स में उनको ऑथेंटिक डाउट करेक्शन नहीं मिल पा रहा था, ऑथेंटिक आंसर नहीं मिल पा रहा था, और साथ ही साथ मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडी करनी थी। तो एक एक कॉन्सेप्ट लेके कि ऑथेंटिक नॉलेज देनी है और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडी करानी है, इस कॉन्सेप्ट के साथ इस चैनल की शुरुआत हुई थी। बाद में स्टूडेंट की डिमांड आने लगी कि सर ये वीडियो वो वीडियो, तो फिर डिफरेंट डोमेन के और डिफरेंट सब्जेक्ट के कई सारे वीडियो को इसमें अपलोड किया गया, जो कि क्लास 5th से स्टार्ट हैं। आप इसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तमाम वीडियो हिंदी मीडियम के हों, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों और किसी भी लेवल के हों, लगभग सारे लेवल के वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। अभी तक लगभग 1800 प्लस यानी 1800 प्लस वीडियो जो है वो इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हुए हैं, जो कि डिफरेंट डोमेन के हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट सर्च करेंगे, आई होप कि आपके काम के वीडियो यहां पर मिल जाएंगे। आपका प्यार लगातार मुझे मिल रहा है और ये आगे भी मिलते रहना चाहिए, क्योंकि ये मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अभी के डेटा के हिसाब से, आज के डेटा के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो लगभग 75% व्यूअर्स जो हैं वो इस चैनल के नॉन सब्सक्राइबर हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल 25% व्यूअर्स ने ही सब्सक्राइब किया हुआ है इस चैनल को। तो भाई, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपका कोई भी कमेंट्स है, कोई सजेशन है, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ इसको करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। आप भी मोटिवेटेड रहिए और मुझे भी मोटिवेटेड करते रहिए। बस यही आशा के साथ वीडियो शुरू करते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हेन 92 यूरेनियम 235 अंडरगोज फिजन, 0.1% ऑफ इट्स ओरिजिनल मास इज चेंज इनटू एनर्जी। आपसे क्या कह रहा है? आपसे ये कह रहा है कि 92 यूरेनियम 235 का आपने फिजन किया तो जो 0.1% जो इसका ओरिजिनल मास है, वो जो होता है वो चेंज हो जाता है किसमें? एनर्जी में। सही है भाई। कह रहा है कि हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड इफ 1 kg ऑफ 92, यानी कि आपसे कह रहा है कि हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन 1 kg ऑफ 92 यूरेनियम 235 अंडरगोस फिजन। ठीक, तो आपने कितना मास लिया? 1 kg लिया। 1 kg का कितना परसेंट एनर्जी में चेंज होगा? तो 0.1% जो होगा वो एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मास ऑफ यूरेनियम चेक कर लीजिए कि कितना यूरेनियम जो होगा वो चेंज होगा एनर्जी में। तो ये हो जाएगा 1 kg का कितना हो जाएगा? 0.1%। ठीक है भाई, सही है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी? 10^-3 kg आ जाएगी। तो 10^-3 kg जो होगा वो यूरेनियम चेंज हो जाएगा किसमें? एनर्जी में, अगर हम 1 kg यूरेनियम लेंगे। ठीक, अब हम देखेंगे कि इसकी एनर्जी हमको कितनी मिलेगी। तो फार्मूला लगाएंगे E=mc² से। m की वैल्यू 10^-3 है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, 3×10^8 का स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी 10^-3 इंटू, ये हो जाएगा 9×10^16 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 9×10^13 जूल। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ रहा है कि आंसर यहाँ पर जो होगा वो डी आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा।